लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वैक्सीन हम नॉर्मल लोग को देते हैं, बीमार या ऑलमोस्ट इन देयर इन वेरी लेट स्टेज लोगों को नहीं देते, साधारण पॉपुलेशन को देते हैं। Insights from the world's best medical minds. You are watching therightdoctors.com. वैक्सीन्स एक तरह है कि वो जिस तरह से वायरस हमारे अंदर आके हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ लड़ती है, लेकिन रोग इसीलिए फैलती है, द डिजीज स्प्रेड्स बिकॉज द एंटीबॉडी द इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स अ लिटिल लॉन्गर एंड द वायरस बाय द टाइम ओवरवेलम्स अस विद द वैक्सीन। वैक्सीन के साथ हम जब वायरस आती है तब हम तैयार हो सकते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ। उसके लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ता है कुछ वायरस जैसे ही प्रोटीन या पार्टिकल इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वैक्सीन हम नॉर्मल लोग को देते हैं, बीमार या ऑलमोस्ट इन देयर इन वेरी लेट स्टेज लोगों को नहीं देते, साधारण पॉपुलेशन को देते हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन देर आर मेनी वैक्सीन एफर्ट्स इन इंडिया विच आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। दे ब्रॉडली फॉल इन टू फोर कैटेगरीज। किन किन तरह के वैक्सीन हो सकते हैं? एक तो दे आर कॉल्ड mRNA वैक्सीन्स। दिस इज़ दी वायरस का जेनेटिक मटीरियल का एक कॉम्पोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं, वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होती है। जब वायरस आती है तब वो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार है। दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ जो रोटावैक वैक्सीन आई थी वो एक एटेन्यूएटेड स्ट्रेन से बनाया गया, जो रोटावायरस स्ट्रेन है लेकिन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आती। उस तरह के वैक्सीन्स भी होते हैं, COVID-19 के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं। तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है। और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं। ये चार तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये चार तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है देश में? एक हमारे कई कंपनीज हैं, वो उनका नाम नहीं लूँगा, आप सबको मालूम है। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं, वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। अभी लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी, कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। ये चार तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है। साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं। सो तीन ब्रॉड तरह के वैक्सीन एफर्ट्स हैं। एक जहाँ हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहाँ हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहाँ लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जहाँ भी वैक्सीन बनती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करने के लिए वो भी उम्मीद करें। तो ये हुई वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि व्हेन अ वैक्सीन इज़ मेड इट इज़ नॉट लाइक अ स्विच विच विल बी अवेलेबल टू एवरी वन ऑन डे वन। दिस डिजीज इज सच अनयूजुअल कंपेयर टू अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज वेयर पीपल फ्रॉम द यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट विल नीड अ वैक्सीन एंड पीपल इन एवरी काइंड ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड विल नीड अ वैक्सीन। दिस इज नॉट अ rich country's disease or a poor country's disease, is everyone's disease. So the logistics
of making the vaccine accessible to everyone is a big challenge, and that is also being discussed now. Who are the first people who should get it in the front lines? Who are the most vulnerable? How does one form protective rings by giving to specific kinds of people at specific times? That is one thing. Second thing, people often ask, when will the first vaccine come? As if when the first vaccine comes, all other vaccines are meaningless. Remember that the first vaccine is the first vaccine to be ready. It will be a vaccine, it will be for one dose or two doses or three doses. Then there will be another vaccine which will be better in some context. There will be a third vaccine which will be better in some other context. This is such a huge pandemic that there is no meaning to say coming first or coming second. There is enough room for all players who are developing vaccines, so there is room for people who are going reasonably fast, there's room for those who are going slow and steady, and those who are coming a little later will learn from others and deliver. Insights from the world's best medical minds. You are watching therightdoctors.com.